सब्सक्राइब कीजिए इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इंफ्राटेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नूबिया की तरफ से लेटेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च हो गया है। उस स्मार्टफोन का नाम है नूबिया प्ले। इस स्मार्टफोन के बारे में काफ़ी टाइम से लीक्स आ रहे थे इसके, तो आखिरकार नूबिया ने इस स्मार्टफोन को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस गेमिंग स्मार्टफोन में 5G कनेक्टिविटी, दमदार डिस्प्ले और पावरफुल प्रोसेसर दिया है। हालांकि कंपनी ने अभी तक ये साफ नहीं किया कि कब तक इस लेटेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि कंपनी ने इससे पहले नूबिया रेड मैजिक 5 गेमिंग फ़ोन को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया था। अब बात करते हैं नूबिया प्ले के प्राइस की। कंपनी ने नूबिया प्ले को 6GB रैम और 128GB स्टोरेज और 8GB रैम और 128GB स्टोरेज और 8GB रैम 256GB स्टोरेज, यानी इन 3 वेरिएंट्स में कंपनी ने इस स्मार्टफोन को लॉन्च किया है। पहले वेरिएंट की प्राइस तकरीबन 26,000 इंडियन रुपीज़ है, दूसरे वेरिएंट की 29,000 इंडियन रुपीज़ और तीसरा वेरिएंट जो कि 8GB और 256GB वाला है उसकी प्राइस 32,500 इंडियन रुपीज़ रखी गई है। वहीं इस स्मार्टफोन को ब्लैक, ब्लू और वाइट कलर ऑप्शन में ख़रीदा जा सकेगा। अब बात करते हैं नूबिया प्ले गेमिंग स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशंस की। तो इस फ़ोन में कंपनी ने 6.65 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले दी है जिसका रेजोल्यूशन 1080p x 2340p दिया है। साथ ही इस स्मार्टफोन में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर दिया गया है और यह फ़ोन एंड्रॉयड 10 बेस्ड नूबिया 8.0 OS पर रन करता है। इस स्मार्टफोन के कैमरे फीचर्स की बात करें तो यूज़र्स को नूबिया प्ले स्मार्टफोन में क्वाड कैमरा सेटअप मिला है जिसमें 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा IMX582 सेंसर के साथ और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मौजूद है। इसके अलावा स्मार्टफोन के फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है। नूबिया प्ले स्मार्टफोन की बैटरी की बात करें तो इसमें बैटरी 5100mAh की दी गई है जो कि 30 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। कनेक्टिविटी फीचर्स में इस फ़ोन में वाईफाई, 5G कनेक्टिविटी, ब्लूटूथ, GPS और USB टाइप सी जैसे पोर्ट्स दिए गए हैं। तो ये अब दुनिया का पहला 5G कनेक्टिविटी वाला गेमिंग स्मार्टफोन बन गया है। इंडिया में जैसे ही लॉन्च हो जाएगा हम आपको बता देंगे। फ़िलहाल अभी चाइना में लॉन्च हुआ है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर फ्यूचर में आप इसी टाइप की और टेक वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। और अगर आप कोई सुझाव, सजेशन देना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।